हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों के बाद मानसून की सीजन की बारिश से पहले यमुना नदी के किनारों पर ठोकर बनाने का कार्य नहर विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया है। सोनीपत में यमुना नदी किनारे आगामी एक माह में कार्य को पूरा किए जाने की संभावना जताई है। लेबर इंचार्ज पप्पू पंडित ने बताया कि फिलहाल नहर विभाग द्वारा ठोकर बनाने के कार्य की शुरुआत मीमारपुर यमुना नदी के घाट से की गई है। मौके पर 15 लेबर कार्य को करने में जुटी हुई है। भविष्य में और भी अधिक लेबर बढ़ाकर आगामी एक माह तक कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 6 कट और 4 ठोकरों पर मोटे पत्थर लगाकर मजबूत कार्य किया जा रहा है। जब बारिश के दौरान यमुना नदी में लाखों क्यूसिक पानी छोड़ा जाता है तो उस दौरान कटाव होने का खतरा बढ़ जाता है। पप्पू पंडित है। अच्छा, कितनी जगह लगाए? 7 जगह स्लोप पिचिंग है, 4 जगह ठोकर है जी, जाल बनाया है वहाँ जौनपुर साइड, 4 जगह ठोकर लगनी है। कब तक पूरा होगा ये? 1-1.5 महीने बारिश से पहले पूरा किया जाएगा। अच्छा, कितना अच्छा कार्य हो रहा है? बहुत बढ़िया जी। फिलहाल कौन से पर कार्य शुरू हुआ? मारपुर घाट पर। कितने आदमी होगा? 15 आदमी है जी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।